के स्टेशन को जो है और एक्सप्लोर करते हैं। ऐसी वीरान जगह है जहाँ पर हम लोग रेल फैंस जो है रेल फैन करने आए हैं। रोज भाई कैसा है सालन? खाना तो आप खाए खाए अच्छा टेस्ट। दोस्तों देख सकते हैं हमने मेरे सामने दो टाइगर खड़े हुए हैं और इसी के साथ रेल फैंस जो है मछलियों को दाना भी डाल रहे हैं। आप सब कैरियर से होंगे। मैं हूं आशिर खान यूसफी और आप देख रहे हैं पाक ट्रेन ब्लॉग्स। तो आज मैं आया हुआ हूं कराची के सब एक डिवीजन स्टेशन पे जो कि है दाबीजी रेलवे स्टेशन। तो मैं आपको बताता चलूं दाबीजी रेलवे स्टेशन की ख़ास बात है कि यहां पे ट्रेन जो है वो 110 प्लस की स्पीड से जो है वो क्रॉस होती है। तो होपफुल है हमें जो है वो अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। तो आप मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा और जो मेरे चैनल पे नए आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जो है वो ज़रूर प्रेस करिएगा। तो अभी देखते हैं हमारे सामने से 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस आ रही है उसको कैप्चर करते हैं। तो आए मेरे साथ। मेरे सामने से अभी 7 अप तेजगाम 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस अप लाइट हॉर्न के साथ आ रही है ZCU की लीड के साथ। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त स्पीड में जो है 8 डाउन तेजगाम ने दाबीजी को स्किप किया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्शन की तरफ जो कि 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस का। दोस्तों बहुत खूब स्पीड में जो है कराकरम पास हुई है। अभी मिल्लत एक्सप्रेस भी आ रही है इसके पीछे तो आए उसको भी कैप्चर करते हैं। दोस्तों ये एक्शन भी बहुत अच्छा था। अब हमारे सामने से 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस आ रही है ZCU की बजाय AG30 की लीड के साथ तो आए उसे कैप्चर करते हैं। अभी हमारे सामने से जो है 13 अप अवाम एक्सप्रेस जो अपने मुकर्रर वक्त से 2-3 घंटे जो है वो लेट है तो अप्रोच कर रही है दाबीजी रेलवे स्टेशन पे। तो आइए देखते हैं ZCU 30 की लीड पे। तो आइए मेरे साथ। हुआ है 11:10
10 मिनट और हमारे सामने से 15 अप कराची एक्सप्रेस GU40 की लीड के साथ अप्रोच कर रही है धाबी जी स्टेशन पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्पीड के साथ रूप पास ही है। अभी हम जा रहे हैं धाबी जी ब्रिज के पास, तो आइए मेरे साथ। तो दोस्तों हम रास्ते में ही थे धाबी जी ब्रिज की तरफ जाने के लिए कि सामने से एक फेड ट्रेन जो कि सुपर पार्सल GU40 की लीड के साथ जो है वो पास कर रही है, तो आइए उसको जो है इन्जॉय करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं धाबी जी पुल की तरफ, ब्रिज की तरफ, जो स्टेशन से जो है 10 मिनट की ड्राइव पे। तो वहाँ पर एक मज़ार भी है जहाँ पे एक छोटी सी झील भी है, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, तो मेरे साथ रहेगा दोस्तों। वो जगह आ गई है जैसे मैं मेरे सामने भी आप सब देख सकते हैं कि रेलवे ब्रिज धाबी जी का, और जो मैं आप जिक्र कर रहा था मज़ार की, और वहाँ पे एक छोटी सी लेक भी है, अभी वहाँ भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहेगा। कैसी वीरान जगह है जहाँ पर हम लोग रेल फैंस जो है रेल फैनिंग करने आए हैं। धाबी जी से बिल्कुल पहले ये ब्रिज है 55 मार्क पे कराची से। तो दोस्तों आइए नीचे चलते हैं लेक की तरफ। मैं आपको बता रहा था ये वो नखले स्थान है जो धाबी जी के पास है, तो चलते हैं हम आगे और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम यहाँ से वॉक करते हुए आए हैं और यहाँ पे बिल्कुल सामने छोटा सा मज़ार है, उसके साथ में बहुत खूबसूरत सी जो है वो लेक बनी हुई है छोटी सी। तो यहाँ पे फैमिलीज आई हुई हैं, इंजॉयमेंट कर रही हैं यहाँ पे। तो मेरी भी आपको एडवाइस है कि एक बार आप ज़रूर आएँ धाबी जी के इस लेक पर। आप देख सकते हैं सामने फैमिलीज भी हैं और बिल्कुल सामने स्टेशन हम वॉक करके आए हैं आपके सामने, अभी आपने देखा भी। सामने दो टाइगर खड़े हुए हैं और इसी के साथ रेल फैंस जो है मछलियों को दाना भी डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और एक ट्रेन हमारे सामने से आ रही है GU40 की लीड के साथ, मे बी ये जो है वो मालगाड़ी हो, देखते हैं आप कौन सी ट्रेन है। आवाज़ तो हमें आ रही है, मालगाड़ी GU40 की लीड के साथ। दोस्तों चलिए आइए चलते हैं वापसी स्टेशन की तरफ, क्योंकि सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो अप्रोच करने वाली है धाबी रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं स्टेशन की तरफ, करते हुए बैक यार्ड से फ्रंट की पुल की तरफ दोबारा जो है वो जा रहे हैं अपना सफ़र कंटिन्यू करते हुए। तो ऊपर चलते हैं और 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस को जो कि अभी आने वाली है उसे कैप्चर करते हैं। हम रास्ते में ही थे
धाबी जी स्टेशन जाने के लिए, और सर सैयद जी 40 की लीड के साथ अप्रोच कर रही है धाबी जी रेलवे स्टेशन पे। बहुत नाइस स्पीड में थ्रू पास करी है। इसमें हमारे दोस्त सलमान भाई भी जो है ऑन बोर्ड थे, जिन्होंने हैंड रेस किया है, देख सकते हैं आप वीडियो में। तो चलिए आए चलते हैं स्टेशन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग रास्ते में थे स्टेशन की तरफ जाने के लिए कि सामने से सिक्स डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो है वो अप्रोच कर गई और मैंने जो है इसकी वीडियो यहीं से बनाई। तो चले आप यहीं से मेरी इस वीडियो को एंजॉय करें। स्टेशन है और अब सारे हम रेल फैन जो है यहाँ पे नाश्ता खाने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पे अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद दोबारा ट्रेन में जो है स्टेशन की तरफ जाएंगे। हम लोग अभी अब धाबी जी के स्टेशन के पास एक होटल में जो है वो दोपहर का खाना खा रहे हैं सारे रेल फैन। रोज भाई कैसा है सालन? खाने तो दो आप खाएं अच्छा टेस्ट। तो दोस्तों धाबी जी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग जो कि छोटी सी है कुछ ऐसे नज़र आती है वो, और इसी के साथ जो है गुड्स यार्ड्स भी बना हुआ है बिल्कुल पीछे, और पीछे ही बिल्कुल नेशनल हाईवे है। आगे चल के स्टेशन को जो है और एक्सप्लोर करते हैं, चलिए मेरे साथ। यहाँ पर सिर्फ जो है सिर्फ दो ट्रेनों का स्टॉप है, जो कि KCR 1 अप और शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, जो कि सुबह में रुकती है और एक शाम में रुकती है। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं ये टाइम टेबल, कभी ना कभी तो आपको काम आ ही जाएगा। इसके अलावा विंटेज बिल्डिंग है इसकी, यहाँ पर एस जमील कंपनी का जो है बोर्ड भी लगा हुआ है। स्टेशन का मैं रिव्यू देता चलूँ, सब में पहले ये जनरेटर का रूम है जहाँ पर जनरेटर चल रहा है क्योंकि यहाँ की लाइट गई हुई है। इसके बाद ये जो है ब्रिटिश टाइप की छोटी सी बिल्डिंग है, इसमें एक ASM ऑफिस रूम है स्टेशन मास्टर का, इसके अलावा रेस्ट रूम है। देख सकते हैं कितना पुरसकून ये स्टेशन है, हल्की हल्की हवा चल रही है लेकिन स्टिल यहाँ पर गर्मी है। अभी हमारे सामने से आ रही है रहमान बाबा एक्सप्रेस HGMU 30 की लीड के साथ, तो आइए कैप्चर करते हैं उसे। रहमान बाबा और पाकिस्तान एक्सप्रेस का अभी टाइम हुआ है, कराकरम एक्सप्रेस आ रही है तो उसको पुल के ऊपर से कैप्चर करते हैं। और कराकरम एक्सप्रेस G40 के साथ अप्रोच कर रही है। पीछे अभी 33 पार्क बिजनेस आ रही है, तो आए उसे कैप्चर करते हैं। इसके बिल्कुल पीछे जो है वो मेहरान एक्सप्रेस आ रही है, तो आइए अब उसे कैप्चर करते हैं।
दोस्तों अभी 14 डाउन जेड सी यू की लीड के साथ जो है अप्रोच कर रही है, तो आइए उसे कैप्चर करते हैं। जैसा कि आपने देखा 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस में जेड सी यू लगा हुआ था, जो अपनी ट्रेन को जो है 110 की स्पीड से जो है वहाँ से लेके गया। तो आज अभी के लिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।